राम राम भाई, सारे भाई एनम आपका भाई सुंदर दिनों दिया और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों, जो आज समस्या बताने वाला हूँ ना, या के बेरा आप द्वारा भी आ रही हो, आपका गांव में, आपका अड़ोस पड़ोस में जड़ा भी है भाई, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो नवीन भाई है, नवीन जून, मतलब जून का महीना आपने सुना होगा ना, गर्मी का महीना हो है, तपती गर्मी। अरे भाई, आज अपने साथ में है नवीन जून, चह रहते हैं, मतलब बहुत कम उम्र के हैं और चेहरे तनु को लगेगा इसका भीतर गर्मी है, लेकिन गर्मी इतनी भरी है भाई, क्या की गर्मी भरी है वो भी आप बात करांगे। नवीन जून है भाई और आजो। तो नवीन देख लो भाई, कम उम्र में आज इतने बड़े बड़े भाई ना काम कर रखे हैं। आप YouTube पर मतलब नवीन जून भरोगे ना तो भाई का चेहरा श्याम ही आ जाएगा। भाई साहब, सबसे पहले तो राम राम। राम राम सभी दोस्तों को, राम राम मेरी तरफ से जी। तो नवीन भाई, सबसे पहले तो अपना परिचय दो, कहाँ से हो और क्या नाम है? मैं नवीन जून, अलका बहादुरगढ़ से, हरियाणा से, आम आदमी पार्टी युवा उपाध्यक्ष हरियाणा जी। आम आदमी पार्टी था भाई उपाध्यक्ष हैं, देख लो, मतलब पार्टी ने कुछ इस भाई के अंदर देखा होगा ना कि हाँ, यो लड़का कुछ करने वाला है, युवा है, उपाध्यक्ष बना दिया। तो आज अपने दर्शक जानना चाहो है, आप कैमरा का गुक कराए हो के आपके भीतर आग भरी है, सारी अपने दर्शकों ने बता दे। आज कैमरे पे आने का मेरा लक्ष्य ये है कि हमारे हरियाणा में और बहादुरगढ़ में कई दिनों से, 15-20 दिनों से ये चल रहा है कि जो बिजली के बिल आ रहे हैं उनमें कुछ पैसे बढ़ के आ रहे हैं, किसी में 1000, किसी में 1200, किसी में 1500। लोग दुखी हो चुके हैं, बार बार हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक उम्मीद है, एक ईमानदारी की मिसाल है। तो लोग वो सब देख के हमारे पास आ रहे कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, और लक्ष्य यही है कैमरे पे आने का कि हम कुछ ना कुछ उनके लिए करें जी। तो नवीन भाई, बिजली की बात आ गई और बिल की बात आ गई, रुपये मतलब बढ़ क्या रहे हैं, मतलब डबल आ रहे हैं। जैसे जो किसी का बिल आ रहा है 3000 रुपये, उसके ऊपर 1200 रुपये बढ़ा दिए, 4200 आ गए, किसी पे 1500 बढ़ा दिए, किसी पे 1700 बढ़ा दिए, ऐसे करके पैसे बढ़ाए गए हैं, सब पे बढ़ रहे हैं, हर मीटर पे। कोई एक ये नहीं कि किसी के साथ एक के साथ हुआ है, सबके साथ हो रहा है। ये अधिकारियों से बात कर रहे हैं, उनको पता नहीं है किस चीज़ के बढ़ाए गए हैं। कस्टमर केयर में फ़ोन कर रहे हैं, उनका जवाब अलग है। अच्छा। कि सबके पास ये तो सबके बढ़ा के आए गए भाई, सबके बढ़ा के आ गए, कोई कर थोड़ी वसूली हो रही है, अंग्रेजों की सरकार थोड़ी है भाई, बीजेपी सरकार है, तो कुछ लोगों के लिए कुछ राहत दो। पड़ोसी राज्य को जाके देखो, बिजली फ्री है, दिल्ली में देखो, पंजाब में देखो, ये फ्री नहीं कर सकते, कम से कम ये पैसे तो मत बढ़ाओ। ठीक बात है। तो नवीन भाई, के लाग है जो आज जनता है या दुखी हो रही है? भाई दुखी तो इतनी हो रही है, बस क्या बताएं आपको, लोग आ रहे हैं, आप थोड़ी देर पहले आप आ रहे थे, आपने देखा होगा कितने लोग उठ के गए हैं। जनता बिल्कुल यहाँ नाक तक भर चुकी है, ऐसा काम हो रखा है, बस मरने में भी कोई कसर नहीं रह रही है, और ऊपर से दबाने में भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ बढ़ा ही रहे हैं, कुछ ना कुछ बढ़ा रहे हैं। एक मुद्दा ये नवीन भाई, आंसू अंधे को नहीं, रोण में कसर को। बिल्कुल सही बात है भाई, आपने बिल्कुल सही बात कही। एक गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, जनता के लिए हित में सोचती है, कुछ ना कुछ अच्छे काम करती है, लेकिन जो बीजेपी सरकार है वो पता नहीं लोगों से क्या खून दिखा रही है, वो लोगों के लिए ना एक मुद्दा बना देती है, कभी किसानों के लिए, किसानों को परेशान कर देती है, उसके बाद कभी बेरोजगारी के लिए, अभी थोड़े दिन पहले आर्मी के लिए बना रखा था, और अब ये बिजली का कर दिया, पता नहीं ये क्या है, कैसे लोगों से क्या इनकी दिक्कत हो रही है, कुछ ना कुछ करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जनता परेशान होकर क्या करेगी, गुंडागर्दी बढ़ेगी, चोरियाँ बढ़ेंगी, जब बेरोजगारी एक चरम सीमा पे चली जाएगी तो पेट गुजारा तो सबको करना ही है, कुछ ना कुछ बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं। तो आम आदमी पार्टी तो हो, युवा हो, तो आम आदमी पार्टी में केला गया कि आप आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हो? आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, और इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो कहीं भी जाके, दिल्ली में जाके देखो, अभी पंजाब में सरकार बनी है, वहाँ जाके देखो, जो उन्होंने बोला वो करके दिखाया, 300 यूनिट फ्री की बात करी उन्होंने, करी, बोला तो करके दिखाया ना। थोड़े दिन पहले मोदी जी ने क्या क्या बोला था, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे,
और भी बहुत सारी बातें बोली थी भाई काला धन वापिस लाए, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन हमारी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, ये नेता नहीं है लोगों का भला करने के लिए आ रहे हैं ये लोग, तो वही हमारी इच्छा हम लोगों का भला करें, ईमानदार पार्टी है, तो इसीलिए मैं इस पार्टी से प्रभावित हूँ और मैंने ज्वाइन की जी। तो के लग है जो अगर आम आदमी पार्टी मान लो हरियाणा में आ गई तो जिस तरह तक दिल्ली में कर रखे अनु ये करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इसमें तो पूछने की बात ही नहीं है, इतिहास गवाह इस चीज़ का। उन्होंने पहले दिल्ली में बनाया, बोला था भाई हम लोगों के लिए ये चीज़ें करेंगे, वो करी उनकी, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उन्हीं टांगे भी खींची गई लेकिन उन्होंने फिर भी किया। और आज आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो पहले जो बजट आता था वो घाटे का आता था, जब से आम आदमी सरकार दिल्ली में बनी है वो लोगों के लिए फ्री भी कर रहे और बजट भी अच्छा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो ईमानदार है, वो अपना घर नहीं भरते हैं, वो लोगों को अपना घर मानते हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी की ईमानदार पार्टी, और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये बिजली जो बढ़ के आ रही हो तो छोड़ो, कोई बात ही नहीं है, वो बढ़ने की तो ये फ्री कर देंगे बिल्कुल। तो बिजली की बात है, बिला की बात है, बिजली मंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला जी हैं, तो उनके पास कोई मैसेज आपने करें? अभी तक मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको निवेदन करता हूँ कि वो ये चीज़ें लोग जितने परेशान हो रहे हैं ना, एक बार इस के बारे में देखें और इसका हल निकाल लें। मैं पर्सनली भी उनसे मिलूँगा बहुत जल्दी इस बारे में, और हल निकाल देते तो बहुत बढ़िया बात है वैसे। और अगर बीजेपी सरकार नहीं सुनेगी हमारी बातें तो फिर हमें आंदोलन पर उतरना पड़ेगा, मजबूरी हमारी। तो नवीन भाई एक बात और कहना चाहूँगा, इब जिस तरह आप बोल रहे हो कि बिल ज़्यादा आ रहे हैं, अगर भद्रगढ़ में उड़ा के हम बुझ जा घर घर जाके तो यह बात सत्य पाओगी? आप जाओ एक बार देखो, लोगों से पूछ के देखो, मेरे पास बिजली के बिलों का ढेर पड़ा लोगों का, अभी थोड़ी देर पहले आपके पास? हाँ मेरे पास अभी बिल, तो भाई बिल भी देखेंगे भाई। अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ लोग आए थे। अच्छा अच्छा, ये उनके बिल हैं आप देख सकते हो, और मैं बहुत संभाल के रखे हुए हैं, किसी के बिल हैं तो ये आप देख सकते हो, 1008 रुपये बढ़ के आ रहे हैं इनके, 1008 इसके 1450 रुपये बढ़ के आ रहे हैं। अच्छा, अच्छा तो मतलब ये समान भी नहीं कर रहे हैं कि भाई सबका एक जैसा भेज दिया, किसी के 1200 बढ़ा दिए, किसी के 1500 बढ़ा दिए, तो और इसका कुछ बता नहीं रहे किस चीज़ से बढ़ के आ रहे हैं। और ये भी बोल रहे अगले 6 महीने तक ये बढ़ के आएंगे, 6 महीने तक बिल्कुल। और ये बात ने कही भी है कि कस्टमर दोरापा कॉल करा, हाँ तो उनने क्या बात कही फिर? कस्टमर केयर वाले बोल रहे हैं कि भाई अधिकारियों से बात करो। अच्छा। हमें इस बारे में पता नहीं है, मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग भी है जो लोगों ने मुझे सुनाई है। अच्छा। लोग ही आके सुना रहे हैं, और अधिकारियों के पास जा रहे हैं तो वो कह रहे भाई सबका बढ़ के आ रहा है, भाई सबका बढ़ के आ रहा है, क्यों बढ़ के आ रहा है? तो उसका या तो गवर्नमेंट को कुछ बताना चाहिए भाई ये इस वजह से बढ़ के आ रहा है, और बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, त्यौहार ऊपर से दिवाली है तो लोगों के खर्चे वैसे ही बढ़ रहे हैं, तो ये आना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो किस बात का आना चाहिए? जो बिल है वही नहीं भरा जा रहा लोगों से, तो ये किस बात का है? पड़ोसी राज्य से कुछ सीखना चाहिए ना, वहाँ बिजली फ्री हो रही है तो कुछ हरियाणा वाले भी करके दिखाएं जी। तो भाई ने कथा भी करवाई है दिल्ली में, कथा करवाई है, महाराज जी हैं बागेश्वर जो उनकी कथा भी करवाई है, तो भाई साहब कथा के बारे में बताओ। सबसे पहले मैं बागेश्वर सरकार जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, वो मेरे बहुत पूजनीय आदरणीय हैं, और वो बालाजी के अवतार हैं, उनको बार बार दंडवत प्रणाम मेरी तरफ से। अभी हमने कथा करवाई है, और कथा का लक्ष्य था राम नाम का जप करवाना, ये राजनीति से हटके बात है, उनकी चीज़ अलग है, ये चीज़ बहुत अलग है। आपने पूछ लिया तो बता भाई साहब, देखो सुनया हाँ मान तो इसलिए पूछ लिया। नहीं मैं बता रहा हूँ, आपने पूछा तो मैं जवाब जरूर दूंगा, लेकिन ये राजनीति से हटके बात है। उनका लक्ष्य एक है कि भाई लोगों में राम नाम का अलख जगाना, और वो उसको अकेले निकल पड़े हैं, और आज के दिन उनके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, वो जहाँ के खड़े हो जाते हैं तो लाखों में भीड़ शुरू हो जाती है, 5 लाख 6 लाख। अभी हमने कथा करवाई, उम्मीद नहीं थी हमारी, 10 लाख से ऊपर लोग आए हमारे पास, और सबके दुख दूर हुए हैं, बार बार मेरे पास फोन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई अगली कथा कब करा रहे हो। तो महाराज जी
तो साक्षात भगवान जी है। अभी वो थोड़े दिन पहले लंदन गए थे, वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्वामी विवेकानंद के बाद 6 मिनट का भाषण हमारे पूजनीय गुरु जी बागेश्वर सरकार जी ने दिया है, जो हमें गर्व की बात है, हमारे लिए फख्र की बात है। और मुझे फख्र है अपने गुरु जी पे, मैं ऐसे गुरु का चेला हूँ जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे पूर्वज जो श्री राम जी थे उनका नाम रोशन कर रहे हैं, तो उनको बार बार प्रणाम है मेरी तरफ से। तो भाई मेन मुद्दा था बिजली के बिल न लेके, बिजली के बिल भाई ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आपका गांव में, आपका अड़ोस पड़ोस में पहले भी मन कही तो भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दियो, आखिर कित कित बिल ज़्यादा आ रहे हैं। तो नवीन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप। हाँ एक बात और कहना चाहता हूँ भाई, सभी जो भी देख रहे हैं भाई का चैनल, भाई एक हो जाओ। अगर आने वाली, अगर अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करना है ना, तो एक हो जाओ। आज बिजली का किया है, कल पे अगर हम सांस लेंगे ना उस पर भी टैक्स लगा दी गवर्नमेंट, ऐसी है ये तानाशाह सरकार है। अगर बोलोगे नहीं ना तो कुछ नहीं हो पाएगा भाई, सब एक हो जाओ। सारे भाइयों से मेरी तरफ से प्रार्थना है, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया वीडियो अपना किसी के लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिए, और भी वीडियो आप दिखाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।